अरे बाप रे, ये क्या है? डायमंड रॉयल? तो गाइस, आज मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने जब भी गेम में ओपन किया तो इधर पे देखा कि मैं एक नया डायमंड रॉयल आया है, और ये इतना खास डायमंड रॉयल आया है, मैं मतलब 1-1.5 साल से भी इससे अच्छा डायमंड रॉयल मैंने अभी तक नहीं देखा। मतलब डायमंड रॉयल पे जो टट्टी वाला ड्रेस देते थे, इधर पे आप देख सकते हो मेरे पास भाउचर कितने हैं, 114 भाउचर है, और इधर पे मेरा लक भी आप दोगे 50-60 कुछ है, ठीक है लक। और इधर पे जो डायमंड रॉयल पे कुछ नए कपड़े इधर पे ऐड हुए, इधर पर ये जो बीच बॉय वाला कपड़ा है, ये पूरा बंडल का अलग अलग करके जो ये ऐड हुआ है, ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और इधर पे बीच बॉय का जो गर्ल वाला है वो भी ऐड हुआ है, तो ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो डायमंड रॉयल पे सभी इधर पे ऑन दिखाते हैं तो भाई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो समझ रहे हो ना। तो ये चीज मैं बहुत दिनों से देखे जा रहा था, लेकिन गरीना ने अपडेट किया है, चलो देर से ही लेकिन किया है। तो इधर पे मैं अपना ले लेता हूँ एडम कलेक्टर, इधर गया एडम का नया नाम प्रीमिस जो भी है, तो ये ले लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ इधर पे लक रॉयल पे, और इधर पे मैं करूंगा स्पिन, और मैं निकालूंगा, क्योंकि ये वाला ड्रेस जो एकदम ओपी है, तो निकलना बनता है। तो मैंने किया एक 10+ का स्पिन, इधर पे क्या नहीं निकलेगा, शायद नहीं निकलेगा, इतना जल्दी तो नहीं देगा, 100 करने के बाद ही देगा। नहीं 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 नहीं, चलो साला वो ड्रेस तो दे दे जो नया वाला आया, क्या ही करते हैं। तो चलो 68 हो चुका है लक, एक गोल्ड रॉयल पे स्पिन कर देते हैं, चाहे लक बढ़ जाए हमारा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलो स्पिन कर दिया गोल्ड रॉयल पे, अभी करते हैं एक और 10+1 वाला। तो इधर पे देखते हैं क्या इस पे निकलेगा, मुझे तो नहीं लगता कि निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। भाई 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 भाई, साला सब ऑन चीजें दे रहा है, जो नया चीज आया वो देना बे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो गाइस इधर पे 79 हो चुका है लक, अभी भी लगता है 10-10 करके दो बार स्पिन करना पड़ेगा। और इधर पे 94 वाउचर्स है, और भाई दे दे भाई एक तो ये वाला ड्रेस दे दे, देखते हैं इधर पे। भाई साहब गोल्डन बॉक्स, गोल्डन नो लिक्विड टाइप का एक है, इधर पे क्या निकलेगा, निकलेगा क्या निकलेगा भाई, ये लड़की वाला दे रहा है। अरे अरे भाग यार, मैजिक क्यों फेगमेंट, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया, सारा मूड खराब कर दिया भाई गरीना ने। अभी एक और 10 वाला स्पिन करूंगा तो 100% निकलेगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो वही करके निकाल लेते हैं, और क्या ही करे, ये वाला एक ड्रेस दे दे तो भाई मजा आएगा। लेकिन साला नहीं रह रहा है, इधर पे दे दे भाई एक शर्ट और पैंट कुछ भी दे दे, इधर पे देखते हैं क्या देता है इधर पे। अभी तो गोल्डन बॉक्स भी नहीं है, लेकिन इस पिन पे निकलेगा ये तो सबको पता है, ठीक है, लास्ट पे जाके भी ये निकलेगा मेरे को पता है। तो देखो भाई ये पता है, गरीना का रूल्स है, विधि का विधान है, ये निकलेगा, ठीक है। तो इधर पे निकाल चुका है, और इधर पे मेरा 100 लाख जो पूरा हो चुका है, तो 100 पे ही देता है, चला गरीना क्या ही बोले। चलो अभी ये ड्रेस आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी भी मेरे पास 74 वाउचर्स है, और वे भी परमानेंट वाउचर्स है। मैंने सोचा था कि ये मैं खर्च नहीं करूँगा, लेकिन इतना अच्छा ड्रेस आया कि मैं खर्च करना भाई क्या ही करूँ, खर्च कर दिया, ठीक है। तो इधर पे दिखा देते हैं, मैं अपना हयातो कैरेक्टर ले लेता हूँ, उसके बाद इधर पे वॉल्ट पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर पे कहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला अदर्स पे है क्या, अदर्स पे। तो गाइस इधर पे आप लोग देख लो, इधर पे जो मेरे पास किधर गया, किधर गया, हाँ ये वाला, इधर पे कितना बंडल है मेरे पास, और ये वाला जो भाउचर है इधर पे 74, वो भी परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट आप समझ सकते हो, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा ऐसा करके, परमानेंट। और इधर पे बंडल पे मेरे पास बहुत सारे बंडल है, मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन ये वाला बंडल को तो भाई मेरे को ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम ओपी वाला बंडल है। आप अगर ये डायमंड ऑयल निकाल सकते तो भाई निकाल लो, क्योंकि इससे बेहतर डायमंड ऑयल मैंने 1-1.5 साल से, या फिर आप बोल सकते हो 2-3 साल से नहीं देखा, ठीक है। जो फ्री का इधर पे डायमंड ऑयल से स्पिन होता है, लेकिन एक ड्रेस आता है जो डायमंड से स्पिन होता है, वो वाला नहीं, जो डायमंड ऑयल के भाउचर से स्पिन होता है, वो वाला ड्रेस, इससे बेहतर मैंने अभी तक नहीं देखा, ये ओपी वाला ड्रेस मेरे को लगा। तो मैं इधर पे इसका सनग्लास थोड़ा चेंज कर लेता हूं, किधर गया, अभी देखो अभी जो ये एकदम ओपी वाला लग रहा है, और इसका हेयर स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन इसके सर पे जो टोपी है ना वो साला बीच में आ गई, अगर टोपी अगर हटा देते तो भाई और भी अच्छा लगता। चलो कोई ना, जो मिला है वही चला लेंगे। तो गाइस आज के ये वीडियो यहाँ तक ही था, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। तो गाइस मैं बायो वाला वीडियो कल ला दूंगा, लेकिन आज ऐसा इवेंट आया ना, ऐसा डायमंड वाला आया कि मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।